गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान स्कूल क्या होते हैं जो वर्ब के साथ help के लिए लगाए जाते हैं जो सेंटेंस के बीच में लगाए जाते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब आपके बहुत सारे होते हैं यहाँ पर कैन कुड विल और कैन कुड विल वुड मे माइट इसका यूज यहाँ पर इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे अभी तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं वी यूज देम टू आस्क टू डू समथिंग। आस्क फॉर परमिशन एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और एबिलिटी वी यूज देम टू आस्कर्ड टू डू सम हम ये मॉडल वर्ब्स या का यूज़ करते हैं? जब हमें आ, किसी से कुछ पूछना होता है किसी से कोई बात करनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं और किसी से कोई परमिशन मांगनी होती है तो इसका यूज करते हैं कोई पॉसिबिलिटी शो करने के लिए एबिलिटी शो करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स का या मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं यूसेज ऑफ कैन एंड कू यूसेज क्या है वी यूज कैन टू एक्सप्रेस एंड एबिलिटी किसी एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं एक्सप्रेस दैट समवन इज अलाउड किसी पर्सन को कुछ अलाउड करने के लिए यूज करते हैं जैसे कि एबिलिटी शो करने के लिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है She can paint well. ये उसकी एबिलिटी है कि वो पेंट कर सकती है तो ये एबिलिटी मीन्स योग्यता क्वालिटीज तो यहाँ पर एबिलिटी क्या शो कर रहा है शी कैन पेंट वेल तो इसीलिए हम यहाँ पर कैन लगाएंगे

Ask for permission किसी से किसी permission लेनी हो तो can use uh, can I होगा यार can I use your pencil can I use your pencil okay uh, या could I use your pencil अब suggestion के लिए कैसे use करते हैं I can या could help you if you like मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम्हें पसंद हो तुम सजेशन दे रहे हैं मदद करने के लिए किसी को फोर्स तो नहीं किया जाता तो ये सजेशन है आपको ये पहचानना पड़ेगा क्या सजेशन है क्या परमिशन है क्या अलाउंस है क्या एबिलिटी शो कर रहा है तो ये सारे के लिए हम कैन या कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं यूसेज ऑफ विल वुड वी यूज विल एंड वुड टू Ask someone to do something किसी पर्सन से कुछ कहीं करने के लिए अगर कहें तो विल का या वुड का यूज करते हैं जैसे कि विल यू शट द डोर प्लीज अगर हम किसी से कह रहे हैं कि आ, क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे तो यहाँ पर विल का यूज हो गया किसी से हमने कुछ पूछा है काम करने के लिए तो यहाँ विल का यूज हुआ नेक्स्ट मेक अ सजेशन टू ऑफर टू डू समथिंग यहां पर भी देखिए सजेशन के लिए कैन या कुड का यूज हो रहा था यहां पर वुड का यूज हुआ है वुड यू लाइक मी टू क्लियर द टेबल तो यहां पर आपका सजेशन या ऑफर आ गया ठीक है विल वुड का सेंस आता है मीन्स करूंगा गा सेंस में आता है इसका मीनिंग और कैन मीस सकता कैन कुड मीन सकता तो अगर वो सेंटेंस आप जब मीनिंग उसका निकालेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कहाँ पर सकता वर्ड ऐड होता है कहां पर गागे अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं जैसे कि हम किसी पर्सन से कुछ पूछ रहे हैं, कि क्या तुम ये काम कर दोगे तो बिल लगा दिया और ऑफर किया कि मैं आपकी ये टेबल साफ कर दूंगा तो सजेशन दिया तो यहाँ पर वुड लग गया will is used to express determination or willingness to do something will देखिए जैसे कि आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा है कि i will के साथ शैल लगता है है ना तो जब हम determination शो करते हैं मींस निश्चय होता है किसी बात पर willingness मींस इच्छा मींस किसी चीज पर कंफर्मेशन अगर होता है कि हाँ हमें ये काम करना है निश्चित है तो कन्फर्म है तो हम आई के साथ शैल न लगा करके विल लगा देते हैं आई विल वर्क हार्ट है डिटर्मिनेशन है कि हाँ करूंगा तो इसीलिए यहाँ पर विल लगा है तो विल वुड का यूज आपने देख लिया पहला था किसी से कुछ पूछने के लिए किसी काम को करवाने के लिए किसी को ऑफर करने के लिए फिर किसी के डिटर्मिशिनेशन के लिए मिस किसी भी डिटर्मिनेशन निश्चय के लिए आई वी के साथ भी विल लगा देते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज। यूसेज ऑफ मे माइट। मे और माइट का मीनिंग भी सकता होता है। कैन और कुड़ का सेंस uh, हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं कि अगर हमें किसी से परमिशन मांगनी हो, अगर कोई आपसे बहुत बड़ा है या एल्डर है और आपको उससे कोई परमिशन मांगनी हो किसी काम के लिए तो उसमें मोस्टली हम मे या माइट का यूज करते हैं कैन का यूज़ हम जनरली अपने लेवल पर लोगों से जब बात करते हैं तब करते हैं अगर हम किसी जैसे कि आपने पह, आप ये सेंटेंस जाते हैं मे आई इन ये जानते हैं आप तो हम अपने एल्डर से अपने टीचर से अगर हम एंट्री पूछ रहे हैं उसके लिए परमिशन मांग रहे हैं तो हमें मे का यूज करना पड़ता है ठीक है जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस हैं वी यूज़ मे टू फॉर फॉर परमिशन परमिशन सब में है विल को छोड़ करके कैन में भी थी मे में भी है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है जब हम किसी एल्डर से या किसी आ, अपने बड़े से किसी चीज का परमिशन मांग रहे हैं कि प्लीज मैं ये कर लूं या क्या मैं ये कर सकता हूं तो हम मे लगाते हैं इन कंपेरिजन टू इन स्पाइट ऑफ यूजिंग कैन कैन हम मे यूज करेंगे टेल दैट ही हैज द परमिशन टू डू समथिंग और किसी को ये बताना कि आपको ये परमिशन है काम करने के लिए देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या था मे आई गो आउट टू प्ले अब जैसे कोई पूछ रहा है कि क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूं और फिर यहाँ पर परमिशन में क्या है यू मे गो आउट टू प्ले आप अगर अपनी मदर से पूछें कि मे आई गो टू प्ले मे आई गो आउट टू प्ले फिर उस, आपकी मदर जब अलाउ करती है तो वो अलाउेंस आपका यू मे से स्टार्ट होगा नेक्स्ट है से समथिंग इज लाइकली टू द फ्यूचर ऐसी चीजें हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि होगी तो उसके लिए हम मे या माइट लगाते हैं जैसे कि अगर हम ये अनुमान लगा रहे हैं ये गेस कर रहे हैं कि आज रात को बारिश होगी तो हमने क्या लिखा है यहाँ इट मे रेन टू नाइट या इट माइट रेन रेन टू नाइट तो ये हम गेस कर रहे हैं तो मे या माइट का यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं तो आपने देखा कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि वे यूज मे इंस्टेड ऑफ कैन के तो नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइजेस हैं आपकी लेट्स वॉक में है एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए है यहां पर सिर्फ आपको मॉडल वर्ब्स को अंडरलाइन करके ये शो ऑफ करना है कि उस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है परमिशन है कि पॉसिबिलिटी की रिक्वेस्ट है कि की कि क्या है तो वो यहाँ पर लिखना है इसको आपको बुक में करना है इसको कॉपी में नहीं करना है नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज नेटवर्क, नेटवर्क इशू होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा आप लोग क्लास कंटिन्यू कर लीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फिल इन सुटेबल मॉडल वर्ब्स तो नेक्स्ट बी एक्सरसाइज है फिल इन सुटेबल मॉडल वर्ब्स टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन वन हैज बीन डन फॉर यू यहाँ पर स्मृति और उसकी मदर का कॉन्वर्सेशन है कॉन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत कॉन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत तो यहाँ पर मे माइट कैन विल वुड सबका यूज यहां पर हुआ है ये भी आपको बुक में ही फिल करना है साक्षी प्लीज ऑफ योर ऑडियो बेटा ये बी एक्सरसाइज भी आप बुक में फिल कर लीजिएगा नेक्स्ट हम आते हैं आ, लेट्स इवेल्युएट में यहां पर ये एक्सरसाइज है ये भी आप बुक में करिएगा यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए हैं कैन कुड मे विल ये सारे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ सेंटेंस में आ, फिल करना है और अगर हमें कभी भी कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर क्या लगेगा कैन लगेगा क्या मे लगेगा क्या विल लगेगा, लगेगा तो हम क्या इजिली क्या कर सकते हैं कि उस सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं हाँ तो जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम कैन लगाएंगे कि मे लगाएंगे कि विल लगाएंगे ओके? Okay? तो ये सेंटेंस ये एक्सरसाइज आप बुक में फिल कर लीजिएगा uh, uh, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया जाता है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा तो हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं जैसे कि आपने डू का डोंट पढ़ा होगा इसमें क्या सिंपली होता है नॉट का ओ हटा करके कॉमा लगा करके एन और टी लिखते हैं और एन और टी में बिल्कुल स्पेस नहीं होता एन और टी में आप स्पेस नहीं कर सकते हैं तो ये इसका रूल है तो शॉर्ट शॉर्टन करने के लिए डू का हो गया डोंट डू का हो गया आपका डोंट विल का हो गया वोन देखिए विलिंट नहीं है यहां पर विल का आई डबल एल हटा करके ओ एन कॉमा टी हो गया हम्म? ये कॉमा यहां पर होगा मैं फिर से लिख देती हूँ आपको शो कर देती हूं एन फिर कॉमा फिर टी एन कॉमा टी एन और टी के बीच में कॉमा होगा और जिस सेंटेंस के साथ आप नॉट ऐड कर रहे हैं वहां पर स्पेस नहीं होगा जैसे डू लिखा है तो डू के बगल में हमने एन लिखा है स्पेस नहीं है और कॉमा टी तो कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ ऐसे ही ऐड करेंगे एन उसी के जॉइंट में लिखेंगे फिर कॉमा फिर टी तो इसीलिए विल का हो गया वोंट हैज नॉट का हो गया है ोग कांट कुछ हैड नॉट कहोगेन सीमा टी लगाते हैं ठीक है तो एन कॉमा टी देखिए सब में लगा है बस आपको ये एक याद रखना पड़ेगा कि विल का Won't होता है नहीं होता। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही आई द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट योर होमवर्क गुड डे